सा ये पढ़ेंगे। यहाँ पे जो राजा की बात की गई है वो है राजा भोज। राजा भोज का नाम आप सबने सुना होगा, बहुत ही प्रजावत्सल राजा थे। प्रजावत्सल राजा यानी कि क्या, यानी कि प्रजावत्सल यानी कि वो हमेशा प्रजा की हो सकती है उतनी मदद करते थे। उन्हें प्रजा का दुख है वो समझ में आता था, वो हमेशा प्रजा के साथ खड़े रहते थे। वो पूरे राज्य में घूमते रहते थे और कहीं पे भी उनकी प्रजा को मदद करने जैसा उन्हें लगता था तो वो हमेशा करते थे। वो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन की बात है, एक बार वो अपनी रानी के साथ रथ में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते वो बहुत आगे निकल जाते हैं अपने राज्य से, थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं। वो क्या देखते हैं, जाते जाते वो देखते हैं कि एक किसान है वो हल जोत रहा था, पर जहां पे दो बैल होने चाहिए उसकी जगह पे एक बैल था और दूसरी एक स्त्री थी। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि हल जोतना, तो हल जोतने हैं तो दो बैल रहते हैं, इसकी जगह पे इसकी किसान ने क्या किया था, उसका एक बैल था और दूसरी वहां पे स्त्री थी। तो ये देख के राजा भोज है वो नीचे उतरते हैं और जाके उसे पूछते हैं कि ये कौन है और ऐसा आप क्यों कर रहे हो। तो किसान उसे बोलता है कि ये मेरी पत्नी है। तो राजा भोज उसे पूछते हैं कि आपने अपनी पत्नी को क्यों बैल की जगह पे लगाया है, कोई अपनी स्त्री से ऐसे काम करवाता है क्या। तो किसान उसे बताता है, किसान को पता नहीं है कि ये राजा है, तो वो उसे बताता है कि ये है मेरा एक बैल है वो मर गया है, तो अभी मुझे खेत जोतना है, दूसरा बैल लेने का मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूं, इसलिए हमने ऐसा सोचा है और मैंने अपनी स्त्री को यहाँ पे बैल की जगह पे लगाया है। ये बात करते करते किसान साथ में उसे राजा भोज को कहता है कि आपको जो भी कुछ काम है आप चलते चलते मेरे साथ करिए, बोलिए मेरा काम रुकाइए मत। तो राजा भोज है वो उसके साथ चलने लगते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक बैल देता हूँ, तुम अपनी स्त्री को यहाँ से निकालो। तो जो किसान है वो बोलता है ठीक है, तो आप लेके आओ, तब तक हम काम कर रहे हैं। तो साथ में साथ भी चल रहे थे दोनों। तो राजा भोज कहते हैं कि तुम एक काम करो, अपनी पत्नी को रथ के पास भेजो, जहाँ पे मेरी पत्नी बैठी हुई है वो उसे बैल देगी और आपकी पत्नी है वो यहाँ पे बैल लेके आएगी। तो किसान को बोल रहा है कि ठीक है, तब तक ऐसा करते हैं कि ये हल जो आपकी स्त्री जो उठा रही थी उसकी जगह पे मैं जोतूंगा। तो अभी क्या होता है कि किसान की पत्नी है वो वहां से निकल के राजा की पत्नी जो रथ में बैठी है उसके पास जाती है, रानी के पास जाती है बैल लेने के लिए। और यहाँ पे राजा भोज है वो हल जोतना चालू करते हैं। किसान की पत्नी है वो रानी के पास जाती है, रानी उसे एक बैल देती है। तो किसान की पत्नी को रानी बोलती है कि तू आप एक नहीं दो बैल लेके जाओ, क्योंकि आपके पास जो बैल होगा वो कैसा होगा, निर्बल होगा, तो दोनों साथ में नहीं चल पाएंगे, तो आप यहाँ से दो बैल लेके जाओ। तो किसान की पत्नी बहुत खुश हो जाती है, वो दो बैल लेके वापस आती है खेत में। राजा वहां से निकलते हैं, नए दो बैल हल जोतते हैं। राजा निकलते निकलते अपना परिचय देके जाते हैं कि मैं राजा भोज हूँ, तुम्हें कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ेगी तो आके मेरे पास मांग लेना। किसान है उससे बड़ी शर्म आती है, वो बार बार क्षमा मांगता है क्योंकि उसने राजा से जो खेत था उसमें हल जोता था। तो दिन चले जाते हैं, किसान की फसल खेत में बहुत लहलहाने लगती है, उग जाती है, बहुत अच्छी फसल हुई है। पर हुआ क्या था, जहाँ पे राजा भोज ने हल जोता था वहाँ पे मोती उगे हुए थे। तो किसान तो ये देख के बहुत खुश हो जाता है,
जितने भाग में राजा ने हल चलाया था या राजा ने फल जोता था वहां पे क्या हुआ, मोती उगे थे, और बाकी सारी जगह पे बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं उगे थे। तो किसान क्या करता है, वो सब मोती इकट्ठा करता है और राजा के पास पहुंचता है, राजा को बहुत बहुत धन्यवाद देता है और राजा को मोती देता है, बोलता है कि जहाँ पे आपने हल जोता था वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे ये सब मोती उगे हैं और आसपास की जगह पे बहुत अच्छी यानी कि उत्तम गुणवत्ता के गेहूँ उगे हैं। तो राजा उन्हें बोलते हैं कि ये तुम्हारे खेत के मोती हैं, तो ये तुम्हारा हक है, मेरा हक नहीं है। तो किसान बोलता है कि नहीं राजा, ये जो मोती है वो आपके हल जोतने से हुए हैं, तो आप ये मोतियों का स्वीकार करो, आपके राज भंडार में रखो। और क्या करना, और क्या करने के लिए बोला कि कोई गरीब आता है आपके पास मदद मांगने के लिए, तो आप उसे मदद करना। ये सुन के राजा भोज है वो बहुत खुश हो जाते हैं और सब मोतियों की मोतियों को अपने राज भंडार में रखते हैं और गरीबों को यथाशक्ति मदद करते हैं। तो आखिर राजा कैसा होना चाहिए, राजा प्रजावत्सल होना चाहिए, जिसे पता होना चाहिए कि उसकी प्रजा है वो कैसे रह रही है, उसे कुछ दुख है या नहीं, अगर है तो उसे सब परिस्थितियों में से बाहर निकालना चाहिए। तो ऐसे थे हमारे राजा भोज। आभार।